समस्तीपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां दो बाइक पर सवार चार अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर जूट मिल के पास की है। गोलीबारी की घटना से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि बेखौफ अपराधी मुक्तापुर जूट मिल के गेट नंबर 2 के पास युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आनन फानन में स्थानीय लोग जख्मी युवक को सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। युवक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अभी आधा घंटा पहले गुड्डू सिंह है, राजेश्वर बाबू का पोता है, जूट मिल में घर है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, उसको गोली मार दिया है। सुनते हैं चार गोली, अभी तक देखे नहीं, लेकिन उसका मृत्यु हो गया है। कहाँ पे घटना घटी? जूट मिल 2 नंबर गेट के निकट है, पोखरी वहीं पर घटा है। वहाँ पर थोड़ा सुनसान जगह है, वहीं पर गाड़ी इसका वहीं पर लगा हुआ है, वहीं पर इसको गोली मार। अपराधी कितने की संख्या में थी इसकी जानकारी? इसका अभी जानकारी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है चार गोली मारा है। गाड़ी इसका लगा हुआ है, इसे लगता है कि उसको रोक के बातचीत कर किया है, उसके बाद इसको ठोक दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये मार्केट से घर जा रहा था, यहाँ प्रत्येक दिन के रूप से था, तो मार्केट से घर जाता था। वहीं पर घर है, ये है, उससे हमको लगता है हाफ किलोमीटर हट के है बाबू क्वार्टर में इसका घर है यहाँ। घटना का कारण प्रॉपर्टी डीलिंग संबंधी विवाद बताया जा रहा है। वहीं सदर डीएसपी शहबान हबीब फाखरी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही अपराधी गिरफ्तार होंगे। मृतक युवक की पहचान भागीरथपुर के बलवंत सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।